Hey guys, welcome to the academy and welcome to this very special class जहाँ पर हम बात करेंगे legal aptitude practice questions की. Are you guys doing? कैसे हो आप सब लोग? और कितने लोगों को लगा था कि यहाँ पर अप्रैल फुल बनाया जा रहा है इस क्लास को करके, क्योंकि आज क्लास में मैं intentionally 5 मिनट लेट आया ताकि कुछ बच्चों में तो ये लग गया होगा कि यहाँ पे अब जो है अप्रैल फुल बनाया जा रहा है. ऐसा तो नहीं लगा था किसी को? लास्ट ईयर का याद था? अच्छा, आप लोग भूल गए हो कि 1 अप्रैल था. कोई बात नहीं, ऑलराइट गाइस. देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं. आज की क्लास में हम दो चीज करने वाले हैं. एक, लीगल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही में उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जब वो लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया, विच वॉज द कॉन्सेप्ट दैट द एग्जामिनर वॉज ट्राइंग टू टेस्ट अस अपॉन. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दोस क्वेश्चंस. एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं. सेकेंड, ये वाला हुआ है. अच्छा, ये वाला स्लाइड हो गई है. मैं एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों. लेट मी मूव ऑन टू द न्यूअर क्वेश्चन. 2 मिनट दो मुझे. We'll be doing some constitutional law question, interestingly, है ना? बड़ा मजा आएगा आज के questions में. Yes. Here we go. Does the governor have the power to give pardon for the death sentence? क्या गवर्नर के पास पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस की पार्डन आपको दे सके? Yeah, this was the first poll, दोस्तों. उनमें शिवांश, सुमित, स्नेहा, अंकिता, मनोहर, रिशु, आयुष, माधव एंड मानस. इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछता है कि क्या गवर्नर के पास पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सके? इसका आंसर होगा नो. इंडिया में जो पार्डनिंग पावर दी गई है, पार्डनिंग पावर दो आर्टिकल्स में दी गई है. आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर की बात करता है, और आर्टिकल 161 जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर की बात करता है. अब ये बड़ा ऑब्वियस है कि प्रेसिडेंट को पार्डन करने की ज्यादा पावर दी जाएगी बजाय गवर्नर के, बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ हायर अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की. प्रेसिडेंट को लगभग हर तरह के केसेस को पार्डन करने का अधिकार होता है. ऑन द अदर हैंड, गवर्नर को सिर्फ उन्हीं केसेस को पार्डन करने का अधिकार होता है जो स्टेट लिस्ट में आते हैं या स्टेट के दायरे में आते हैं. ठीक है, अब आप पूछोगे कि जनरली तो जितने भी क्राइम होते हैं वो आईपीसी में होते हैं, इंडियन पिनल कोड में होते हैं. तो इंडियन पिनल कोड स्टेट में आता है कि यूनियन में आता है? इंडियन पिनल कोड आता है कॉन्करेंट लिस्ट में.
और क्योंकि इंडियन पिनल कोड कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होता है, इसलिए हम देखते हैं कि द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर बोथ कैन पार्डन ऑफेंसेस देयर। लेकिन यहाँ पर गवर्नर के ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी गई है ना? क्या लिमिटेशन लगा दी गई है? कि गवर्नर डेथ सेंटेंसेस को, डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसका भी एक आइडिया गवर्नर्स ने निकाल लिया है। क्या निकाला है? देखो सिंपल सी बात है कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते लेकिन कम्यूट कर सकते हैं। अब पार्डन और कम्यूट में क्या अंतर है, दोनों का मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा हमें। देखो एक तो होता है पार्डन और एक होता है कम्यूट। पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना, अक्विट कर देना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। निरंजन क्लास में लेट आया 10 मिनट, है ना? अब निरंजन के ऊपर आरोप लगाया गया है कि यार क्योंकि निरंजन 10 मिनट लेट आया है क्लास में तो उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाए, है ना? तो हमारी यार जो नया एक देश बना है दिव्यस्तान, दिव्यस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दिव्यस्टिट्यूशन ऑफ दिव्यस्तान, उसके हिसाब से अगर कोई क्लास में 10 मिनट लेट होता है तो उसे डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। ठीक है, अरे निरंजन सॉरी नहीं बोलना है यार, है ना? बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलना है, एग्जाम्पल है, तुम बस एंजॉय करो। ठीक है, अपनी डेथ पेनल्टी को एंजॉय करो। देखो एक दिन सबको मरना ही है ना, वो बहुत विरले लोग होते हैं जो 2 बार मर पाते। तुमको एक बार मैं क्लास में मारूंगा, एक बार तुम असली में मरोगे, तो तुम मौत को बड़ी पास से छू करके निकलोगे। अभी रुक जाओ, है ना, तुमको पार्डन करवा दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर निरंजन को पार्डन कर दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वो पूरी तरह से निर्दोष हो जाएगा। निर्दोष तो नहीं होगा, वो दोष तो होगा, लेकिन उसको पूरी तरह से जेल से हम बाहर भेज दें। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हम क्या करेंगे उसको कि भाई देखो हमने पूरी तरह से माफ कर दिया, जाओ तुम अब जेल से बाहर, अब तुम एक नॉर्मल नागरिक की तरह जी सकते हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट का मतलब होता है कि आपने नेचर ऑफ द पनिशमेंट को बदल दिया। ठीक है, नेचर ऑफ द पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर मान लो 3 तरह की पनिशमेंट पॉसिबल होती है। एक होती है डेथ पेनल्टी, एक होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट, और एक होती है सिंपल इंप्रिजनमेंट। इसका क्या मतलब होता है? डेथ पेनल्टी के केस में आपको फांसी पे लटका दिया जाता है ना, यहाँ पे आपको मार दिया जाता है। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में जितने समय आप जेल में हो आपसे काम करवाया जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। हाँ, जेल की रोटी मिलेगी आपको, जेल में रहने का बंदोबस्त भी किया जाएगा, एक बेड दिया जाएगा, गद्दा तकिया तो देते नहीं है, लेकिन साथ ही में आपको यू विल हैव टू डू मैनुअल लेबर। ठीक है, तो आपसे अलग अलग तरह का काम करवाया जाएगा। ये क्या हो सकता है? पत्थर तोड़ना हो सकता है। आजकल के जमाने में कई सारी कॉटेज इंडस्ट्री भी हो रही है ना, तो जेल के बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं। तिहाड़ के ट्रेडमार्क से भैया, तिहाड़ इज अ ट्रेडमार्क। ओके, तिहाड़ के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं और क्या गजब के प्रोडक्ट बनते हैं, है ना? क्योंकि आप पीछे से जेलर डंडा मारेगा ना आपको, अगर आप अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो बनाने पड़ते हैं, वहां पे कोई स्लेकिंग वगैरह तो होती नहीं। ठीक है, उसके अलावा फिर होता है सिंपल इंप्रिजनमेंट। सिंपल इंप्रिजनमेंट में क्या होता है कि आपसे कोई मैनुअल लेबर नहीं कराया जाता। ठीक है, अब कम्यूशन का मतलब क्या होगा कि या तो मैं डेथ पेनल्टी को रिग्रेस इंप्रिजन में बदल दूं, है ना? उसको बोलूं कि यार तुमको डेथ पेनल्टी थी, तुमको लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी विद रिग्रेस, है ना? या फिर मैं रिग्रेस इंप्रिजनमेंट को सिंपल इंप्रिजनमेंट में बदल दूं, ये भी पॉसिबल होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा है, आजकल गवर्नर ने जो रूट निकाला है वो क्या करते हैं, उन्हें बोला हम डेथ पेनल्टी को माफ नहीं कर सकते ना, हमने बोला हाँ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम कम्यूट कर सकते, हमने बोला हाँ कम्यूट आप कर सकते हो। तो बोलो कई सारे गवर्नर ने ये कराए, एक दो केसेस ऐसे आए सामने, उन्होंने पहले डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट करा, फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट को माफ कर दिया। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तो आप माफ कर सकते हो, समझ में आया दोस्तों आपको? क्या कर रहे हैं गवर्नर, कुछ कुछ एक दो केसेस में हुआ है ना। RI होता है महज रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। है ना इंटरेस्टिंग तरीका, हैक निकाल लिया उन लोगों ने, क्या हैक कर दिया हमने पूरे सिस्टम को। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है। सुमित, कई बार क्या होता है आपका डाउट अगर मिस हो जाए ना सुमित, तो उसको वापस से भेज दिया करो। एनी लिमिटेशन ऑफ पार्डन ऑन 1 गिल्टी पर्सन? नहीं है, कोई नहीं, आपको 10 बार भी पार्डन किया जा सकता है सर। पर हीनियस क्राइम में तो सीधा डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, वाई टू लीव देम फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू? उनमें 2 मिनट से इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ भैया। अगर पार्डन ही करना था तो पनिश को करते हैं,
पार्डन ही करना था तो पनिश क्यों करते हैं, चलो इसका आंसर भी देते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मेरे को आप लोगों को समझाना है, एंड दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज अ यंग लॉयर। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए और उनके सवाल ढूंढने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगी, और तब अगर आप लोगों के पास जवाब नहीं है तो लोग समझेंगे कि यार क्या ही पढ़ाई करें, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन के जवाब मैं डेफिनेटली दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, आपकी क्यूरियोसिटी पूरी तरह से क्वेंच होगी। रेमिशन, रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब होता है सजा को रिड्यूस कर देना, ठीक है। मान लो अभी हमारी क्लास में सुमित, सुमित ने क्या क्राइम करा? सुमित ने अपनी हमारी क्लास के बीच में माय डाउट 2 बार बोलने का क्राइम करा, है ना। हमारी क्लास का, हमारे देश का नियम क्या है कि अगर आपका डाउट मैं मिस कर दूं तो आप अपना डाउट कॉपी करके वापस से कमेंट में डाल दो, है ना, या जब मैं पूछूं कि समझ में आ गया तो बोलो कि स्टॉप मुझे एक डाउट है, और उसके बाद आप डाउट पूछो। लेकिन इस तरह से माई डाउट करने पर आपको 10 साल की सजा दी जाती है। अब सुमित इसके लिए लायक है, उसको 10 साल की सजा दी जा रही है। लेकिन उसके बाद मुझे पता चलता है कि यार सुमित की क्या है कि सुमित के पास कुछ फैक्टर्स थे, ठीक आदमी था, इतना बुरा भी नहीं था, पहली बार ऐसा करा है। तो हमने क्या करा, उसकी सजा को रिड्यूस कर दिया। तो जब आपकी सजा को रिड्यूस कर दिया जाता है 10 साल से 5 साल कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिशन बोलते हैं। रेमिशन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है, इंडिया एज अ कंट्री वी डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू गेट डेथ पेनल्टी, है ना। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है जिसके तहत इसको बोलते हैं एंटी कैपिटल पनिशमेंट। ये मूवमेंट क्या बोलता है, ये मूवमेंट ये बोलता है कि अगर इंसान किसी को नया जीवन नहीं दे सकता तो उसे उस इंसान का जीवन लेने का हक नहीं है। दैट देयर शुड बी एन एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, पूरी तरह से डेथ पेनल्टी खत्म हो जानी चाहिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि यार डेथ पेनल्टी जो है वो बड़ी अमानवीय है, इट्स वेरी इनह्यूमन, किसी की जान ले लेना। दूसरा, कई सारी रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि डेथ पेनल्टी का कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं होता है ना। और जब एक क्रिमिनल को पता चल जाता है कि उसको डेथ पेनल्टी मिलने वाली है तो फिर वो किसी भी तरह का क्राइम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब यार एक खून की सजा भी फांसी है, दो खून की सजा भी फांसी, ठीक है। उसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट जो इसका सामने आता है कि पहले के जमाने में क्या होता था, जो इंसान चोरी करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। आज भी कुछ अरब देशों में इस तरह का कानून चलता है ना। इट्स कॉल्ड एज इसको हम बोलते हैं रेट्रीब्यूटरी रेट्रीब्यूटरी सिस्टम ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि अगर किसी इंसान ने किसी को मारा तो उसको उसी तरह मारा जाता था, है ना। किसी ने चोरी करी तो उसका हाथ काट दिया जाता था, किसी ने किसी महिला का अपहरण कर लिया तो उसकी घर की महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता था। तो इट वॉज वेरी इनह्यूमन, है ना, काफी इनह्यूमन क्राइम था ना। ये किस तरह से आप पनिशमेंट दे रहे हो, दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न सोसाइटी। तो जो एबोल्यूशन ऑफ दैट पेनल्टी, वो भी ये बोलती है कि एबोल्यूशन ऑफ दैट पेनल्टी इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी के खिलाफ है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आप लाइफ इंप्रिजनमेंट हो ना, बढ़िया, उस इंसान को जिंदगी भर के लिए जेल में रखो, वो एक ज्यादा अफेक्टिव डेटरेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उन्मेष का पहला क्वेश्चन था, हीनियस क्राइम में तो डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, है ना। देखो इसके बाद क्या होता है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है, इसको आप समझना दोस्तों प्लीज। देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कई सारे सवाल पूछता है। जब आप थ्योरी ऑफ क्राइम पढ़ोगे ना लॉ में, तब आपको क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाया जाएगा। कुछ कॉलेजेस में अभी पढ़ाया जाता है, कुछ कॉलेजेस बहुत ज्यादा मॉरल बोल करके उसको हटा देते हैं, जो कि नहीं हटना चाहिए। वो कई सारे सवाल पूछता है, क्राइम क्यों होता है, व्हाई डज क्राइम हैपन, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, एक तो क्राइम क्यों होता है, दूसरा अगर हमको क्राइम कम करना है तो कैसे करें, और तीसरी चीज कि क्या क्रिमिनल को रिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो व्हाई क्राइम हैपेंस में ये बोला जाता है दोस्तों कि क्राइम इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि इस इंडिविजुअल में कोई गलती थी, इस इंडिविजुअल के जो सोसाइटल सरकमस्टांसेस थे इसमें कुछ गड़बड़ थी, है ना। या तो ये व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ,
या फिर इसके माँ बाप ने इसको सही तरह से शिक्षा नहीं दी, या तो इसको स्कूली शिक्षा सही से नहीं मिली, है ना। क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि दो भाई थे, एक भाई क्रिमिनल निकला, एक भाई पुलिस ऑफिसर निकल गया। तो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स होंगे ना सोसाइटी। तो अगर हमको सोसाइटी में क्राइम कम करना है, सोसाइटी हमको क्या करना है, वी वॉन्ट टू गो टू अ सोसाइटी दैट इज क्राइमलेस, है ना। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोसाइटी का, पुलिस वाले बेरोजगार हो जाए, लॉयर बेरोजगार हो जाए और डॉक्टर बेरोजगार हो जाए, यही ऑब्जेक्टिव हमारी सोसाइटी का। पूरी पूरी की पूरी लीगल रिसर्च या क्रिमिनल जस्टिस रिसर्च क्यों हो रही है, पुलिस और लॉयर को बेरोजगार करने के लिए हो रही है। पूरी की पूरी मेडिकल रिसर्च क्यों हो रही है, डॉक्टर को बेरोजगार करने के लिए हो रही है। यही पर्पस है ना हमारा। हमारी सबसे बढ़िया सोसाइटी कब हो जाएगी, जब डॉक्टर और लॉयर की जरूरत ही ना पड़े सोसाइटी में, राइट। चलिए आगे बढ़ते। तो जब सवाल पूछा जाता है कि हम क्रिमिनल्स को कैसे रिड्यूस करें या क्राइम को कैसे रिड्यूस करें, तो हमारा पर्पस होता है कि हम सोसाइटल फैक्टर्स में इन सारी चीजों को रिड्यूस कर दें। अब आप बोलोगे यार सोसाइटल फैक्टर से थोड़ी ना होता होगा क्राइम, ये कैसी बेहुदा सी बात है। तो देखो इस पे कई सारी रिसर्च हुई और इसमें पाया गया कि जब जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है, जैसे 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब क्राइम बढ़ गया था। ठीक है, देखो लोगों के पास अगर जॉब्स होंगे अच्छे, लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, तो क्या वो चोरी चकारी करेंगे। जो इंसान चोरी कर रहा है, मोस्ट लाइकली उसने सबसे पहली बार जब चोरी करी थी ना, तब इसलिए चोरी करी थी क्योंकि उसके पास कोई बहुत ज्यादा मजबूरी थी। फिर एक बार चोरी करी तो उसको समझ में आ गया कि ये सरल काम है, एक साल में मेहनत करके जॉब करूंगा, उसमें जितना पैसा कमाता हूँ वो एक रात में मैं कमा सकता हूँ, तो उसको फिर आदत सी होगी। ठीक है, तो सोसाइटी में अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो उससे क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा। एजुकेशन डाउन जा रही है तो क्राइम बढ़ेगा। या फिर सोसाइटी में टेंशन है ना, जैसे आज हम क्या देखते हैं हमारी सोसाइटी में, देर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ टेंशन बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स, है ना। तो अलग अलग रिलीजन में टेंशन देखने को मिलता है, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स में टेंशन देखने को मिलता है, उनसे भी क्या होता है, उनसे क्राइम होता है। अगर सोसाइटी में आप मानो कि सारे लोग सेफ फील करें, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से खतरा ना महसूस हो, तो क्या वो आर्म्स ट्रेनिंग लेने की सोचेगा, क्या वो अपने पास बंदूक रखने की सोचेगा, क्या वो अपने घर को प्रोटेक्ट करने की सोचेगा, नहीं सोचेगा, है ना। तो सोसाइटल फैक्टर प्ले अ बिग रोल इन क्राइम। ठीक है, तो सोसाइटल फैक्टर जो होते हैं वो क्राइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिस इंसान ने क्राइम करा है उसको हम रिफॉर्म कर दें, उसको क्या कर दें, सुधार दें। इसलिए जो इंडिया में प्रिजंस है उसका हिंदी अनुवाद जेल नहीं होता है। आप किसी भी प्रिजन में जाकर के देख, मतलब बाहर से देख लेना, उसका नाम होता है सुधार गृह। क्या बोलते हैं उसको, सुधार गृह बोलते हैं। सुधार गृह मतलब यहाँ पे आपके आदमी को हम सुधारने की कोशिश कर, ठीक है। वैसे होता नहीं है उसमें, क्या होता है कि कोई बच्चा अगर सुधार गृह चले जाता है तो उसको बड़े बड़े क्रिमिनल्स मिल जाते हैं, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स उसको क्राइम करने के नए नए तरीके बता देते हैं, तो वो सुधारने की बजाय बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि एक क्रिमिनल जब जेल में जाए तो जेल की रोटी खाए, तो वहां पर उसको समझ में आए कि यार ये जेल अच्छी जगह नहीं है, अगर मैं सोसाइटी में एक सिटीजन की तरह रहूंगा, अच्छे सिटीजन की तरह रहूंगा, तो मैं रिफॉर्म हो जाऊंगा और मुझे यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अब उन्मेष की अगर मैं बात मान लू और हीनियस क्राइम के लिए सीधे डेथ पेनल्टी दे दू या लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दू, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि एक इंसान जिसने देखा कि यार मुझे तो मरना है जेल में, तो क्या कभी वो अच्छा कॉन्डक्ट कर पाएगा, अगर उसको पता है कि उसको एक दिन मरना है जाकर, या उसको किसी ने कह दिया कि यार तुमको तो हमेशा के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई, हमेशा के लिए तुम जेल में, तो क्या वो सुधारने में कभी फोकस कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं उसको ये बोलूंगा कि यार तुमको 5 साल में जेल में छोड़ेंगे, तो फिर वो ये सोचेगा ना यार 5 साल में चलो मैं जेल में रहकर के ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, ताकि जब मैं जेल से बाहर जाऊं तो मेरे पास कोई जॉब हो सके, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जी सकूं। ठीक है, अब कई सारी रिसर्च होती है जब ये देखा जाता है कि डेथ का डर नहीं होता है सोसाइटी में। अगर आपको क्राइम कम करना है ना, तो पनिशमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको डिटेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। क्या मतलब होता है इसका, इसको समझो। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं जयशिव का,
है ना। जयशिव एक खूंखार क्रिमिनल है, एक नॉर्मल क्रिमिनल है लाइक से। तो जयशिव इस बात को ध्यान में रख करके क्राइम नहीं करता है कि अगर मैंने ये क्राइम करा तो मुझे कितनी पनिशमेंट मिलेगी। डू यू थिंक उनमें कि अगर मैं बोलूं कि एक क्राइम की सजा 3 साल है और एक क्राइम की सजा 5 साल है तो आप 3 साल वाला प्रेफर करोगे क्राइम करना? ऐसा थोड़ी होता है ना। अगर आपको करना है तो आप 3 साल का भी करोगे और आप 5 साल का भी करोगे, इतना रैशनल नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं एक सोसाइटी में जहां पर आपकी अगर आपने क्राइम करा है तो पुलिस आपको पकड़ेगी, इसकी पॉसिबिलिटी 10% है। मैं वहां पे क्या करती है, पुलिस 10% केसेस को ही सॉल्व कर पाती। और दूसरे सोसाइटी जिसमें डिटेक्शन की पॉसिबिलिटी 90% है तो पुलिस 90% केसेस सॉल्व कर लेती है। तो आप ये वाला जो 90% वाली सोसाइटी में इसमें कम क्राइम करोगे ना, क्योंकि वहां पे आपको लग रहा है कि अगर मैंने क्राइम कर लिया तो मोस्ट लाइकली पुलिस मुझे पकड़ लेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपको पनिशमेंट बढ़ाने की जगह डिटेक्शन बढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे जैसे डिटेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्राइम सोसाइटी में कम होता जाएगा। एक क्रिमिनल को सजा से डर नहीं लगता है, पकड़े जाने से डर लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें, फिलोसॉफिकल चीजें, जो आप जब क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ोगे ना, अगर आप जिस लॉ स्कूल में जाते हो वहां पे पढ़ाया जाता है, यू विल फाइंड इट अमेजिंग, आपको मजा आ जाएगा पढ़। डिटेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, जयशिव पूछ रहे हैं। तो जयशिव एक तो यार आप मतलब किस हिसाब से पूछ रहे हो कि डिटेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब आपको तो नुकसान होगा ना। आपको ये पूछो कैसे कम कर सकते हैं, वो बताता हूँ आपको। चलो, कैसे बढ़ा सकते हैं डिटेक्शन। एक, आप पुलिस के नंबर बढ़ा दो, है ना, ज्यादा लोगों को पुलिस में रिक्रूट करो तो चप्पे चप्पे पे पुलिस होगी तो डर लगेगा। दूसरी चीज, पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग दो, तो अगर पुलिस को ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी तो वो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तीसरा, पुलिस को बेहतर इक्विपमेंट दो, है ना, पुलिस को आप बेहतर इक्विपमेंट दोगे, अच्छे सीसीटीवी कैमरा अच्छी चीजें दोगे तो वो उसको अच्छे से यूज कर पाएगी। चौथा, पुलिस की सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि अगर पुलिस की सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो ब्राइबरी बढ़ेगी, वहां पे रिश्वतखोरी बढ़ेगी और वो क्रिमिनल के साथ मिलकर के ये सारी चीजें काम करेगी। ठीक है, तो ये तो उन्मेष का पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक और चीज होती है, उन्मेष का एक और डाउट था कि अगर मैं क्राइम की ज्यादा पनिशमेंट दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, क्या लोगों में डर आएगा। देखो कई बार ऐसे केसेस देखे गए कि 2013 के बाद हमने क्या करा, रेप के केसेस में पहले आपको 7 साल की सजा मिलती थी, अब आपको डेथ पेनल्टी की सजा मिलती है। ठीक है, पहले क्या होता था, रेप के कई सारे केस आते थे, है ना, तो इसके ज्यादा केस आते थे। अब ये देखा जाता है कि जब एक इंसान रेप करता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, क्रिमिनल क्राइम कर देता है, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया, है ना। इट इज ओनली आफ्टर डूइंग द क्राइम दैट ही रियलाइजेस व्हाट हैज ही एग्जैक्टली डन, राइट। तो अब एक बार जब रेप हो गया ना, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि यार वो तो फंस गया, तो उसको लगता है कि अगर मैं इस महिला का मर्डर कर दूं, है ना, अगर मैं इस महिला का मर्डर कर दूं तो भी मुझे सजा तो सेम मिलेगी, क्योंकि रेप में भी डेथ पेनल्टी मिल रही है और मर्डर में भी डेथ पेनल्टी मिल रही है, डेथ पेनल्टी से बड़ा तो कोई क्राइम ही नहीं है। तो अगर मैं इस महिला का मर्डर कर दूंगा तो कम से कम ये एविडेंस तो नहीं दे पाएगी और मेरी बचने की संभावना ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह के भी कई सारे केसेस देखे गए हैं जब लोगों को क्या होता है, कई बार रिसर्चर जो होते हैं ना वो जाकर के इन तरह के कैदियों से बात भी करते हैं। ठीक है, तो कई सारे लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भैया आपका क्या मोटिव था। तो ये क्रिमिनल जब जेल चले जाते हैं तो वो फ्रीली बताते हैं, उनको बड़ा मजा आता है अपने क्राइम के बारे में बता के, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जेल में कहीं ना कहीं सिस्टम है कि जिसने जितना बड़ा क्राइम करा उसको इज्जत दी जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा मर्डर करके आया उसको बहुत इज्जत देगी, अगर किसी ने मान लो छोटी मोटी चोरी करके पकड़ा गया तो उसको कोई, ए क्या है यार तू छोटा सा क्रिमिनल है, तो हम बड़े क्रिमिनल के साथ मत बैठा। तो जेल में ये भी चलता है, तो लोग बड़े शान से अपने क्राइम्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। क्या आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए दोस्तों? शायद आपने लोगों ने, मैं जब आपसे बात कर रहा था कुछ क्वेश्चन पूछे थे, प्लीज अब आप अपने क्वेश्चन पूछो, वरना आपको सुमित की तरह सजा दे दूंगा मैं 10 साल की, माई डाउट बीच में बोल देंगे।
शिवानी देखो, डेथ पेनल्टी को रिमिट कैसे करेंगे? क्या हम ये बोलेंगे कि चलो आपकी मौत नहीं होगी, आपका हाथ काट देंगे? ऐसा नहीं होता। पहले डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया जाएगा लाइफ इंप्रिजनमेंट में, और उसके बाद हम उनको धीरे धीरे कम करेंगे। युवाश का क्वेश्चन है कि क्यों कुछ प्रिजनर जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली होती है उनको हम 14 साल में छोड़ देते हैं? देखो युवाश, लाइफ इंप्रिजनमेंट का असली अर्थ होता है उम्र कैद, मतलब आप जब तक जीवित हो आप जेल में रहोगे। और भारत में ऐसे कई केसेस हैं जो 30 साल 40 साल जिन लोगों ने जेल में बिताए है ना। हमारी क्लास में उन्मेष पढ़ रहा है, उन्मेष भी 50 साल से जेल में है। अभी उसे जेल से इंटरनेट लगवा दिया है, जेल से ही वो क्लास लेता है ना। 1960 में बर्थ हुआ था उसका, 1970 में उसको जेल हो गई है ना। उनमें सही बात है भाई। है ना? तो अब यहाँ पे क्या होता है? नहीं आयुष, उस पे सुप्रीम कोर्ट जनरली उसको अपील नहीं करना। कई बार क्या होता, क्या हुआ? देखो आप लोगों के घर पे भी आती होगी ना वो कचरे वाली गाड़ी, कचरे वाली गाड़ी। अब मेरे पास क्या हुआ कि कचरा खत्म हो गया, क्लैट कंसोर्टियम को मैंने कल ही डाल दिया था डस्टबिन में, तो बचा नहीं है कोई कचरा, इसलिए आज कोई भी नहीं डाल रहा। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जनरली उम्र कैद के लिए होता है युवराज। लेकिन कई बार कुछ ऐसे क्रिमिनल जिनका एक तो क्राइम उतना ज्यादा हीनियस नहीं होता, या जो 14 साल के बाद अपने आप में बहुत अच्छा रिफॉर्म दिखाते हैं, है ना, वो जेल में अच्छे से काम करते हैं, स्टाफ की नजर में अच्छे होते हैं, दे जनरली शो दैट दे हैव एक्चुअली रिफॉर्म, तो उनको 14 साल में छोड़ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट में मिनिमम अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है तो आपको 14 साल तो जेल में रखेगी, और उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको छोड़ सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली रिलीज बोलते हैं। अर्ली रिलीज किसकी होती है? ऐसे लोग जो जेल में अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं। अगर आपको बिल्किस बानो वाला केस याद हो तो बिल्किस बानो में भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि जो उसके रेपिस्ट थे उन लोगों ने अच्छा कॉन्डक्ट दिखाया जेल में, और उनके अच्छे कॉन्डक्ट के कारण उनको रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, वह कल्प्रिट का माइंडसेट चेंज करना इज मेन मोटिव ऑफ इंडियन जुडिशरी। इसके लिए एक वर्ड होता है ना, वो क्या है? रिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन। ओके चलिए आगे बढ़े। आई डिडंट रियलाइज कि एक क्वेश्चन हमने करा और इतना लंबा चला गया, है ना, एक क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है। चलिए कोई नहीं, बट आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा हो आज की क्लास में। डू यू लर्न अ लॉट इन दिस क्लास? वेरी गुड, यस, वेरी नाइस। हाउ मेनी मेंबर्स इन द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड?
जस्ट अ सेकंड गाइस, उनमें सुमित, अंकिता, आयुष, मानस, माधव, ऋषु, स्नेहा, युवांश, वेरी वेलकम, वेरी गुड। हाउ मेनी मेंबर्स इन द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड? राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं, है ना? 12 मेंबर्स। तो राज्यसभा में हमारे 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। देखो टोटल राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, और साथ ही में इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। ठीक, राज्यसभा का पर्पस क्या था? राज्यसभा के दो पर्पस थे, कि तो लोकसभा में जनरली इलेक्टेड लोग जाने वाले थे, तो हो सकता है कि उसमें कम पढ़ा लिखा क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का आदमी चला जाए लोकसभा, तो इसलिए राज्यसभा बनाई गई थी, ताकि राज्यसभा कैन वर्क एज अ चेक ऑन लोकसभा, की लोकसभा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको वाइज तरीके से काउंसिल करने की यूनिट हमने राज्यसभा को बना दिया। दूसरी चीज, हमने ये देखा था कि लोकसभा में लोग नेशनल पार्टी को देख करके वोट देते, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में लोग स्टेट पार्टीज को देख करके वोट देते। तो स्टेट पार्टी क्योंकि नॉमिनेट अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी राज्यसभा में, तो उस कारण से क्या होता है, लोकसभा में स्टेट्स को भी अपने कहने की बातें मिली। अब देखो इसको समझते हैं हम कि राज्यसभा में आखिर मेंबर कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, तो 238 मेंबर होते हैं और 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। इनको नॉमिनेट कौन करता है? तो इनको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इनको किस क्षेत्र से नॉमिनेट किया जा सकता है? तो इनको हम आर्ट से, स्पोर्ट्स से, कल्चर, पब्लिक सर्विस, साइंस, अलग क्षेत्रों से हम इनको नॉमिनेट कर सकते हैं। देखो अभी कुछ फेमस नॉमिनेटेड मेंबर्स का अगर मैं नाम लूं, तो अगर आप पब्लिक सर्विस से देखोगे तो जस्टिस रंजन गोगोई इज वन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना? कुछ समय पहले तक सचिन तेंदुलकर वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपने एक रेखा का नाम सुना हो, रेखा इज अ फेमस बॉलीवुड स्टार, शी वॉज ऑल्सो अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। एंड यस, पीटी उषा इज ऑल्सो अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, है ना? यस सुमित, मनमोहन सिंह 238 में। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये क्यों होते हैं? ताकि प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि अगर हमारी राज्यसभा में जनरली नेता लोग आते हैं, लेकिन अगर हमको कुछ स्पेशल चीजें चाहिए कि आर्ट्स में क्या पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, कल्चर से रिलेटेड क्या पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, तो उन सबको एक स्पेशलिस्ट आदमी अगर आएगा अपने क्षेत्र में जिसने बहुत कुछ करा है, तो वो हमको ज्यादा बेहतर ढंग से मार्गदर्शन दे पाएगा कि भैया यहाँ पर किस तरह से चीजों को करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अच्छी बात है ना? अब सवाल उठता है कि बाकी की ये जो 238 सीट्स हैं, इनको हम कैसे चुनते हैं, लोग कैसे आते हैं? आप लोगों ने ये सुना होगा कि राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। कितने लोगों ने सुना है? तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कैसे होता है इसको समझना। तो राज्यसभा में हमने क्या करा है, राज्यसभा में हमने हर स्टेट्स को कुछ कुछ सीट्स आवंटित कर दी। वी हैव गिवन सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स टू एवरी स्टेट। ठीक है, तो जैसे मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, मध्य प्रदेश की टोटल 11 सीट्स होंगी। ठीक है, इन्हें हर स्टेट की हमने डिटरमाइन कर रखी है कि किसकी कितनी सीट्स होंगी। अब सवाल उठता है कि 11 सीट्स को आखिर हम चुनेंगे कैसे, कि 11 सीट्स पे मध्य प्रदेश में कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्या इस पर मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर क्या होगा, मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग होगी।
मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग है? 230 लोग है ना, कितने लोग है? 230 लोग। और मान लो राज्यसभा की 4 सीट के लिए हमने क्या करना है, हमने मतदान करना है। कितनी सीट के लिए मतदान करना है? 4 सीट के लिए मतदान करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 लोग खड़े हो गए, ए बी सी और डी, और इन चारों लोगों को जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, मान लो यहाँ पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं, 10 लोग भी खड़े हो सकते हैं, ई एफ जी एच आई जे, और यहाँ पे क्या होगा, जिसको जितने वोट मिले, तो जो टॉप 4 लोग होंगे वो यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। तो मान लो ए को 70 वोट्स मिले, बी को 70 वोट्स मिले, सी को 50 वोट्स मिले, डी को 40 वोट्स मिले, और बाकी इन सब लोगों को 0-0 वोट मिले। तो यहाँ पे कौन राज्यसभा मेंबर बन जाएगा? ए बी सी डी मध्य प्रदेश से राज्यसभा मेंबर बन जाएगा। आया समझ में आप लोगों को इतनी बात? ये 230 कौन है? ये एमएलए है, तो एमएलए यहाँ पर वोट देंगे। ठीक, अब 4 सीट क्यों, 11 की 11 सीट पे चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राज्यसभा मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल का, है ना, एंड इट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट हाउस। तो ये परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हर 2 साल में एक तिहाई मेंबर कम हो जाते हैं और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एमपी में क्या होगा, 2012 में 4 लोग चुने जाएंगे, जो कि कब रिटायर होंगे, 2018 में रिटायर होंगे, 2014 में 4 लोग चुने जाएंगे जो 2020 में रिटायर होंगे, और 2016 में 3 लोग चुने जाएंगे जो कि 2022 में रिटायर होंगे। ठीक है, फिर ये 4 लोग 2018 में रिटायर हो गए तो 4 सीट खाली हो गई, तो 2018 में फिर से चुनाव होगा। तो इस तरह से सर्कुलर चलता रहता है ताकि एकदम से राज्यसभा में नए लोग एकदम ना आए, है ना, पुराने लोग उनको गाइड कर सके। आ गया समझ में? अब देखो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, एमपी में अगर आप लोगों को पता हो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का राज है, तो यहाँ पे बीजेपी का राज है और सेकंड पे यहाँ पे कांग्रेस है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एमएलए सबको देने अपने अपने, है ना, तो इसलिए क्या होता है कि ऑपोजिशन पार्टीज के भी लोग जाते हैं। अब आप इसको इस तरह से सोच करके देखो कि अगर ए और बी, यहाँ पे बीजेपी अपने वोट दे रही है और बी को, तो कांग्रेस ऐसा होगी ना कि अपने सारे विधायकों को बोलेगी कि एक पर्टिकुलर इंसान को सारे वोट दे दो ताकि उसके पास मैक्सिमम वोट आ जाए और वो राज्यसभा में चले जाए। तो राज्यसभा में ना सिर्फ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है बल्कि ऑपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या है, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, हु इज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, ही इज ऑल्सो अ राज्यसभा एमपी, वो भी राज्यसभा के एमपी। आया समझ में? तो राज्यसभा में इस तरह से हम क्या करते हैं, ज्यादा बैलेंस पाते। बैलेंस कैसे ज्यादा हो गया? एक तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक ऑपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, दो लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। लोकसभा में तो क्या होता है, कई बार ये देखते हैं हम कि किसी नेता की लहर है, जैसे 2014 में और 2019 में मोदी जी की लहर चली, और लहर में कोई भी इंसान जो बीजेपी के टिकट से खड़ा था वो जीत गया, तो बीजेपी वन 302 सीट्स आउट ऑफ 540 सीट्स। लगभग अगर आप 302 सीट जीत जाओगे 540 से, तो बहुत बड़ा नंबर होता है ना दोस्तों, ये कोई छोटा नंबर थोड़ी होता है, राइट, इट्स अ बिग नंबर। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में आपको पूरी तरह से बहुमत नहीं मिलता है, कई बार मिल भी जाता है। ओके, अंडरस्टूड? मैं 2019 की बता रहा हूँ आपको, 2014 में 280 के लगभग थे। ठीक है, क्या किसी को कोई डाउट है दोस्तों? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जयशिव का एक क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि अगर हमको पार्डन करना होता है तो हम पनिश ही क्यों करते हैं? जुडिशियरी ने किसी रीजन से ही पनिशमेंट दी होगी ना,
आयुष सॉरी जयश्री, इस चीज को समझना कि कई बार आपके पेरेंट्स आपको पनिश कर देते हैं। मेरी मम्मी की ये बहुत आदत थी, है ना। तो मेरी मम्मी मेरे को बचपन में काफी मारती थी, काफी मतलब एक दो मार दिए चाटे थे अपने, तो काफी लगता है। अब वो मेरे को मार देती, है ना, उसके बाद मैं रोने लग जाता। फिर उनको पता नहीं क्या होता, थोड़ी देर में मेरे पास आती और मेरे को बहुत प्यार करती। उनको बुरा लगता कि उन्होंने मुझे मार दी, ठीक है, ऐसा होता था। बिकॉज अब मैं रोने लगा तो उनको लगा लेसन सीख गया। तो जुडिशरी पनिश करती है ये सोच करके कि इस इंसान को लेसन सिखाने की जरूरत है। लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल बदल सकते हैं ना ह्यूमंस। अगर आपको ह्यूमंस की किसी चीज को याद रखना है ना, ये याद रखना कि ह्यूमंस बदलते हैं, ह्यूमंस आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो अब क्या होता है, आदमी जाकर के जेल में बदल भी तो सकता है, फिर उसको पार्डन कर देते हैं कि यार ये आदमी सुधार दिया है, सुधर गया है, उसको पार्डन कर सकते हैं। आप सोचो आज से 6 साल 7 साल पहले आप क्या सोचते थे लाइफ के बारे में और अब क्या सोचते हैं, बहुत चेंज आया। आपके पेरेंट्स में बहुत बदलाव आया और आप देखना कि धीरे धीरे कितना बदलाव आएगा। व्हेन अ पर्सन टर्न्स 30 ना, आप लोग जब 30 के हो जाओगे, आप रियलाइज करोगे कि आपके पेरेंट्स कई सारी चीजें आपकी मानने लगेंगे। यू विल बी द प्रैक्टिकल लीडर ऑफ द हाउस होल्ड। अभी क्या होता है, आपके पेरेंट्स सारे डिसीजन लेते हैं और आपके पेरेंट्स जो बोल देते हैं वो आपको करना होता है ना। जब आप 30 के हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स की उम्र भी कितनी हो जाती है, 55 60 की हो जाती है। तब कई सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो और वो धीरे धीरे मानने लगते हैं। दे ऑल्सो रियलाइज कि बच्चा समझदार हो गया, बच्ची समझदार हो गई, अब उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, जैसे बचपन में मुझे मैंने एक बार 5th क्लास में मुझे याद है आए, मैंने जिद्दी कर ली साइकिल की, ठीक है। 5th क्लास में मैंने बहुत जिद्दी कर ली साइकिल की। मैंने बोला कि नहीं मेरे को साइकिल चाहिए और अगर मुझे साइकिल नहीं दिलाई तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, ये वो दुनिया भर की चीजें करूंगा, है ना। तो पापा ने मेरे को कहा कि यार तेरी यही जिद्दी चलती रहती है, तू कभी ये मांगता है, कभी वीडियो गेम मांगेगा, कभी कोई बोर्ड गेम मांगेगा, कभी साइकिल मांगेगा, मतलब मैं यही करता रहूंगा क्या, इससे तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, है ना। मतलब पापा ऐसे ही दिखाते थे कि उनके पास 3 4 हजार रुपए हैं और वो 3 4 हजार में से वो 50 रुपए का वीडियो बोर्ड गेम दिला दिया, 300 रुपए का वीडियो गेम दिला दिया, 2 हजार की साइकिल दिला देंगे तो उनके पैसे खत्म होने वाले। तो पापा पहले ऐसे ही प्रिटेंड करते थे, है ना। आप लोगों के पापा ऐसे ही करते हैं, मेरे को सच में भी लगता है क्या है 4 5 हजार रुपए होंगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार इंसान के पास 10 रुपए तो 5 समोसे खा सकता है। उस समय 2 रुपए का समोसा होता था आगे, मैं कहा बस एक इंसान को दिन में 4 रुपए से ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। सुबह एक समोसा खाएगा, रात को एक समोसा से खाएगा, हो गया उसका काम। मुझे ऐसा लगता था 5 हजार रुपए तो बहुत हो गए, 2500 समोसा आ सकते थे, पूरा आगर मेरे हिसाब से समोसा खा लेता उसमें। मेरे को आगर की पॉपुलेशन भी नहीं पता थी, राइट। अब क्या हुआ, 5th क्लास में जब पापा ने मुझे ये कहा कि बेटा तू क्या ये दिन भर ये कभी घड़ी दिला दो, कभी ये वो, कभी सारे मेरे पैसे खत्म करवा देगा तू। बोला पापा चिंता मत करो, आज मैंने आपसे ये आखिरी चीज मांगी, आप मेरे को साइकिल दिला दो, जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सच में ये बोला था। उन्होंने बोला नहीं, आज तूने साइकिल मांगी, कल तू गाड़ी मांगेगा, उसके बाद तो लाड़ी मांगेगा, तेरी मांगे कभी खत्म नहीं होगी। नहीं पापा, मेरे को बस साइकिल चाहिए जीवन में, उसके अलावा मेरे को जीवन में कुछ नहीं है। मेरे को लगता था एंड आई ऑनेस्टली बिलीव इट कि बस जीवन में साइकिल आ गई, उसके बाद क्या चाहिए। 2 साल बाद मैंने कंप्यूटर की जिद्दी करी। उस दिन भी मुझे यही लगा कि बस कंप्यूटर दिला तो बाकी जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपके क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे देना है तो सिर्फ सिंपल से जवाब यही होगा कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, हम बहुत बदलते हैं। आप लोग जब आगे बढ़ोगे, लॉ स्कूल जाओगे, तब आप रियलाइज करोगे कि आप कितना बदल गए हो एज एन इंडिविजुअल, है ना। इनफैक्ट ये कई सारे बच्चे क्लैट प्रिपरेशन में भी रियलाइज करते हैं कि जब उन्होंने क्लैट प्रिपरेशन की शुरुआत की होती है और जब वो शुरुआत करके एंड ऑफ द क्लैट प्रिपरेशन में होते हैं, उनका नॉलेज इतना बढ़ जाता है, हाँ, दे बिकम बेटर एट अ लॉट ऑफ नॉलेज। आप जैसे रेगुलरली अगर आप लोग मिशन करते हैं तो मिशन में हम कितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में प्रोबेबली आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मिशन करने के बाद आपको कितना लगता है ना कि हाँ हमको इतनी सारी चीजें पता चल गई इस टॉपिक के बारे में। तो आप इंडिविजुअली इवॉल्व होते हो। जैसे आज की क्लास में आपको क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में कितना कम पता होगा,
लेकिन आज की क्लास के बाद आप किसी को ये बता सकते हो ना कि हम क्राइम क्यों पनिश करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, एक अच्छी सोसाइटी कौन सी होती है जिसमें पनिशमेंट ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए? है, ये सारी चीजें अब आप बता सकते हो। तो अब क्या होगा, कल से जब भी कोई आर्टिकल देखोगे, कोई कॉन्वर्सेशन करोगे, तो आपका ये नॉलेज आपको काम आए। वहां पे अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा होगा ना कि यहाँ पे क्राइम बढ़ा लो, है ना, कि यहाँ पे क्या कर लो, क्राइम बढ़ा लो या पनिशमेंट बढ़ा लो, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप उसको आर्ग्यूमेंट दे सकोगे। या कोई आर्टिकल होगा जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये सारी चीजें याद आएंगी। क्या कभी ऐसा होता है कि क्लास में की गई कोई बात, भले मेरी क्लास में, मिशन में, किसी और एडुकेटर की भी क्लास की बात आपको न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त याद आती हो? आती है? चलिए बढ़िया। नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस एंड दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड। सुमित, मैं अच्छी बातें कह रहा हूं, तो मेरी मजाक वाली बातें याद रखते हो? क्यों जय, आपकी मम्मी भी क्लास लेती है क्या? उनमें सुमित, आयुष, स्नेहा, मानस, युवांश, जयशिव, अभिषेक, जया एंड पूर्वी। ओके, यस। अरे वाह, हाँ मनोहर, डेफिनेटली गाइस, 1 बजे भी एक हमारी क्लास है जिसमें मैं आपके लाइफ इन लॉ स्कूल के सारी चीजें बताऊंगा, है ना, आपके लॉ स्कूल लाइफ से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस एंड दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी। इसको हम कौन सी चीज की डॉक्ट्रिन बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी। इसका क्या मतलब होता है? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी का मतलब होता है कि एक इंसान को अगर उसने एक क्राइम किया है, तो उसको हम 2 बार सजा नहीं दे सकते। क्राइम एक बार, तो सजा एक बार मिलेगी, एक बार में हम उसको कोशिश करेंगे सुधार दें। इससे क्या होगा कि अगर हम इस डॉक्ट्रिन नहीं होगी, तो देखो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। अगर मान लो ये डॉक्ट्रिन नहीं है, तो स्टेट क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, जो लोग उसके फेवरेट उनको तो एक ही बार सजा देगी वंस, लेकिन जो लोग उसके खिलाफ बात करते हैं, जो उसके ऑपोजिशन है, उसको सेम क्राइम की सजा बार 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 दी जाएगी, तो वो एक एंडलेस साइकिल में चले जाएंगे जहां पर उनको कभी भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए डबल जेपर्डी लगाई जाती है कि किसी भी इंसान को कन्विक्टेड 2 बार नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन में भी जनरली अवॉइड करते हैं 2 बार प्रोसिक्यूट करना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती है। मान लो स्वप्निल अभी हमारी क्लास में आया, और स्वप्निल के ऊपर क्या है, ही इज बीइंग ट्राइड फॉर मर्डर। उसके ऊपर आरोप है कि उसने मर्डर का, अभी स्वप्निल के साथ है ना एक और इंसान आने वाला था, स्वप्ना। स्वप्ना हमारी क्लास में नहीं आ पाया क्योंकि दोनों जब एंटर हो रहे थे, स्वप्निल को पता नहीं क्या हुआ, उसने मर्डर कर दिया। अब स्वप्निल पे मर्डर का केस चल रहा है, स्वप्निल पे बिकॉज मर्डर का केस चल रहा है, अब क्या होता है कि उसको अक्विट किया जाता है बिकॉज एविडेंस नहीं मिले। 10 साल बाद फॉर सम रीजन नया एविडेंस सामने आता है, ठीक है, नया एविडेंस सामने आता है, तो उस समय स्वप्निल को वापस से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार वो अक्विट हुआ था, ही वॉज नॉट कन्विक्टेड। अगर पिछली बार वो कन्विक्ट हो गया था,
तो उसे वापस कन्विक्ट नहीं करेंगे भले ही नया एविडेंस सामने आ जाए, है ना। लेकिन मान लो यार एक इंसान को कन्विक्ट कर दिया था, फिर नया एविडेंस सामने आया जिसमें यह पता चला कि स्वप्ना को स्वप्निल ने नहीं मारा था, है ना। स्वप्निल, आपने स्वप्ना को मारा है क्या? डिड यू किल स्वप्ना? तो स्वप्निल ने बाद में खूब बोला उस समय कि वो निर्दोष है, लेकिन वो तो हर इंसान बोलता है ना। और बाद में कुछ एविडेंस सामने आ जाता है कि यार उसने नहीं मारा था, किसी और ने मारा था, एक्चुअली युवांश ने मारा था, तो स्वप्निल पे वापस से केस चला करके उसको हम बाइज्जत बरी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नया एविडेंस आ गया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, कल कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है क्या एविडेंस के लिए? बिल्कुल नहीं है, है ना। क्राइम में जनरली ये जो मर्डर तरह के क्राइम होते हैं उनके लिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता। बाकी कई सारे और क्राइम होते हैं उसमें देर इज अ लिमिटेशन पीरियड एसोसिएटेड विद इट, है ना। कुछ लिमिटेशन पीरियड डेफिनेटली होता है। तो यूएस में जरूर होता है कि यूएस में क्या है कि फॉर सम ऑफ द क्राइम्स देर इज अ लिमिटेशन पीरियड एसोसिएटेड। कि अगर मान लो क्राइम जो है वो 2006 में हुआ है तो उसके खिलाफ केस जो है 2016 तक ही चल सकता है, उसके बाद नहीं होता है। तो कई सारे क्राइम जो अनसॉल्व रह जाते हैं ना, तो 2006 से 2016 तक तो अनसॉल्व है। अब वो क्रिमिनल क्या है कि मरने वगैरह वाला है, उसको कोई चिंता नहीं है जीवन की, तो वो उसके बाद एक बुक पब्लिश करता है कि आखिर उसने वो क्राइम कैसे करा था और पुलिस से वो कैसे बचा। ठीक है, क्योंकि अब 2016 के बाद उसको पता है कि कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, है ना। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केसेस हुए। एक एक्चुअल ये हुआ कि देयर वाज अ पर्सन हु कमिटेड क्राइम इन एक्स ईयर। ठीक है, ऐसा क्राइम जिसकी लिमिटेशन पीरियड 10 साल था, 10 साल तक वो पुलिस को चकमा देता रहा और एक्स प्लस 10 ईयर के बाद उसको पता चला कि अब उस क्राइम के लिए उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। एक्स प्लस 11 ईयर में उसने किताब पब्लिश कर दी जिसमें उसने पूरा बताया कि कैसे उसने क्राइम करा, है ना। अरे यार मुझे याद नहीं है सुमित एग्जैक्ट ईयर ना, उस इंसान का नाम याद नहीं आ रहा, बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन उसने बुक पब्लिश कर दी और बुक पब्लिश करके उसने बताया कि किस तरह से उसने वो क्राइम करा था और किस तरह से वो पुलिस से बचता रहा। तो फिर इंटरेस्टिंगली क्या हुआ पता है आप लोगों को? इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि उसको बोला कि ठीक है तुमको इस क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन इस 10 साल में तुमने जो पुलिस को चकमा दिया वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है। और अभी जैसे मान लो तुमने एक्स प्लस 9 ईयर में जो चकमा दिया था उसको तो एक्स प्लस 19 तक कर सकते हैं ना, और अब तो एक्स प्लस 11 ही हुआ, तो उस बेचारे को उस बुक के आधार पे प्रोसिक्यूट कर दिया गया और बुक तो अब क्या हो गया था, कन्फेशन, तो बेचारा जेल चला गया। तो कई बार थोड़ी ज्यादा स्मार्टनेस अगर दिखाते हो तो वो भी दिक्कत दे देती है। There was some financial fraud issue, है ना, कोई financial fraud था यहाँ पर। Okay, कैसे हुआ? क्योंकि डबल जियोपर्डी, उसको पहले तो प्रोसिक्यूट ही नहीं किया गया था ना, जैसे पता ही नहीं था किसने क्राइम करा, उसने आकर के कबूला कि मैंने क्राइम करा था। वो पता है आपको जो ढूंढ रहे थे ना उस क्रिमिनल को, आप फ्लोरिडा के जंगलों में, फ्लोरिडा में नहीं था, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ था, इस तरह से आया था वो सरप्राइज। वो होता है ना, हम कहा करते हैं बच्चों के साथ, फिर एकदम से हटा देते, बोलते हैं हम यहीं पे थे, वो ताड़ कर रहा था। फॉर विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी हैव बीन बोरोड, है ना। राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया? मनोहर ये ट्रेड सीक्रेट किसी को भी नहीं पता है।
सुमित, आयुष, मानस, नेहा, उन्मेष, मनोहर, श्रेया, ऋषु, साक्षी एंड आशुतोष. वेरी वेल डन. फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द राइट टू इक्वालिटी हैव बीन बोरो? राइट टू इक्वालिटी हमने बोरो किया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन. और यूएस एक ऐसा देश है जहां पे राइट टू इक्वालिटी को काफी इफेक्टिवली एक्सरसाइज किया जाता है. वहां पे अमीर गरीब, बड़े छोटे, काले गोरे, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, इन लोगों में ज्यादा भेद नहीं होता, सोसाइटल लेवल पर है, लेकिन वहां का जस्टिस सिस्टम काफी इक्वल हो गया. उसी की तर्ज पर हमने हमारे यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी दिया, जिसमें हमने दो चीजें बोली कि देर विल बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना. जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने यूएस से लिया था, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने ब्रिटिशर से लिया था. इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है, रेसिज्म बहुत है आजकल, वो भी अब कम हो रहा है यूएस में, ठीक है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ का नहीं, बस खत्म कर रहा हूँ युवांश, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, बस 1-2 मिनट में ये लास्ट क्वेश्चन मैं खत्म कर, है ना. आई अंडरस्टैंड की 11 तक क्लास थी. तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ में क्या होगा कि हर इंसान जब जुडिशरी के सामने जाएगा, जस्टिस सिस्टम के सामने जाएगा, तो वो इक्वल होगा, और उसमें कोई काले गोरे बड़े छोटे का भेद नहीं होगा. ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ होती है. ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है. थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, उसके लिए रियली सॉरी. और अब हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे 1 बजे, जिसमें आप लोगों के साथ मैं लाइफ इन लॉ स्कूल डिस्कस करूंगा. आखिर लॉ स्कूल में लाइफ कैसी होती है, कितना मजा आता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा. और साथ ही में आपके कुछ क्वेश्चन हो लाइफ लॉ स्कूल से रिलेटेड तो वो भी बताऊंगा. साथ ही में अनअकैडमी पर अभी एक रिसेंट बैच शुरू हुई है, लेवल अप, मार्च 30 से. अगर आप लोग स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. एमएचसीईटी का क्रैश कोर्स चल रहा है अनअकैडमी स्टोर पे, लॉ विस्तारा अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए चल रही है. और द वॉरियर्स बैच भी है, ठीक है. तो एक ड्रॉपर्स बैच है CLAT 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, वॉरियर्स, जो कि बहुत जल्द आ रही है. तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी ले सकते हो. कोड यूज कर सकते हो दिव्य कुमार गर्ग, या टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो दिव्य कुमार गर्ग, और आपको मेरा चैनल भी मिल जाएगा, है ना. ओके, ऐप पे है, ऐप पे है ना. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ पहले से पता चल जाता है. तो आज का टाइम टेबल ये सब आया ना, हाँ देखो 9 बजे टाइम टेबल भी आ गया था, तो उसमें सब कुछ बता दिया था आप लोगों को. तो देखो आज मिशन की भी 2 क्लासेस है, 3 बजे और 4:15 बजे, है ना. और 1 बजे हमारी ये वाली क्लास है, लाइफ इन लॉ स्कूल. आयुष, अनअकैडमी पर कुछ अवेलेबल है, बाहर से भी आप खरीद सकते हो. राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल अभी नहीं हुआ है मिशन में, ठीक है, अभी नहीं हुआ है. ऑल राइट है, तो इसी के साथ विद दिस कम टू द एंड ऑफ द क्लास. लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट. आई होप यू हैड अ गेट ग्रेट टाइम इन टुडेज क्लास गाइस. इस तरह की कई सारी क्लासेस हम करते रहेंगे और ढेर सारी चीजें सीखते रहेंगे. ओके, यस, हैव अ ग्रेट डे गाइस. लीडर बोर्ड तो आज कुछ ही क्वेश्चन हुए,